हेलो दोस्तों, आज के टॉपिक पर बात करने से पहले हम थोड़ा इसका फाउंडेशन बना लेते हैं ताकि आपको वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ आए। तो बहुत ध्यान से देखिएगा गाइस इस वीडियो को जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस वीडियो में देखिए गाइस, आपको ब्लैक कलर का बलून दिख रहा है, उस पर लाइट डाला जा रहा है और यहाँ पर ये फट चुका है। ओके, अब सेकेंड केस देखिए, यहाँ पर आपको ब्लू कलर का बलून मिला, ये भी फट गया है। ओके, अब थर्ड केस को बहुत ध्यान से देखिएगा गाइस, ये है पूरा वाइट कलर का। ओके, अब देखते हैं कि ये फटता है या नहीं फटता। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा इसे बिल्कुल नहीं फटा, इतने देर में ब्लैक और ब्लू बलून जो थे हमारे पूरी तरह से फट चुके थे। ओके, इसका कारण मैं आपको बताऊंगा गाइस कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, अब आप फोर्थ वाला केस देखिए, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, वाइट कलर के अंदर एक ब्लू कलर का बलून रख दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं गाइस क्या होता है। देखिए यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी अंदर जा रही है और वो पूरी तरह से ब्लू कलर का बलून भी फट चुका है। अब इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए गाइस, इसमें एक साइड राइट साइड वाइट कलर है और एक साइड थोड़ा लाइट कलर का वाइट है, बट जब इस सर्कल में एक कोई कलर डाला जा रहा है तो ये देखिएगा जो लाइट कलर जो है वाइट वाला वो आगे पीछे हो रहा है। तो इसका कारण देखिए, आप जानने की कोशिश करिए ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोनों वीडियो में हमने ये सीखा दोस्तों कि वाइट कलर जो है किसी भी तरह की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, वो सारी की सारी जो लाइट आ रही है वो सबको रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है इसका मतलब वो क्या हो रहा है, हीट नहीं हो रहा है, उसमें लाइट ही नहीं जा रही तो गर्म भी नहीं होगा। इसलिए खासकर आपने देखा होगा गाइस, कोई भी आपको सजेशन देता है, सलाह देता है कि आप लोग गर्मी में वाइट कलर के कपड़े पहना करिए, वो क्यों देता है, क्योंकि आपके जो बॉडी है, आपने जो वाइट कलर के कपड़े पहने होते हैं वो कोई भी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, जिससे आपको उतनी गर्मी अनुभव नहीं होती जितनी कि ब्लैक कलर को पहनने के बाद होती है। ब्लैक कलर गाइस क्या होता है, हमारे जो 7 कलर्स होते हैं वो सारे के सारे कलर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि गर्मियों में आप किसी भी तरीके का ब्लैक कलर ना पहने, जिससे आपको हीट बहुत ज़्यादा महसूस हो। ठीक है गाइस, तो ब्लैक और वाइट के आपको फंडे आई होप समझ आए होंगे। ये मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि ये वीडियो का फाउंडेशन था, आपको अगर ये फाउंडेशन समझ आया होगा तो आप वीडियो को आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं अपनी वीडियो पर। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गाइस, यूएसए में एक पर्ड्यू यूनिवर्सिटी है जिसके प्रोफेसर है जाउलिन रुआन। दोस्तों ये एक ऐसा प्रैक्टिकल कर रहे हैं, एक ऐसा पेंट बनाना चाहते हैं जो 100% लाइट जो इस पर पड़ेगी वो पूरी 100% लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे। जी हाँ, जैसा कि अभी हमने देखा ये वाइट कलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं गाइस, और एक ऐसा वाइट कलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो पूरी 100% लाइट जो इस पर पड़ेगी उसको रिफ्लेक्ट कर दे, ये ऐसा प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं बता दूं कि इन्होंने 2 साल पहले गाइस वाइट पेंट में CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को मिलाया था, जिससे इन्होंने ये पाया रिजल्ट में कि जो लाइट है जो 100% रिफ्लेक्ट करवाना चाहते थे वो 100% ना होकर 95% के लगभग जो है लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। ये 2 साल पहले किया, बट रिसेंटली अभी इन्होंने क्या किया है गाइस, इन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट की जगह अब बेरियम सल्फेट को डाला है और उन्होंने ये रिजल्ट में पाया है कि लगभग 98% से 99% तक लाइट जो है इसकी वो रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके गाइस, अब ये लाइट तो रिफ्लेक्ट हो रही है बट इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, तो इससे दोस्तों ये फ़ायदा होने वाला है कि आपका जो है 98% जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी उससे क्या होगा, अगर ये पेंट आप अपने घरों में लगवाते हैं तो इससे क्या होने वाला है कि आपके घर के अंदर का जो टेम्परेचर होगा वो आपके घर के बाहर के टेम्परेचर से लगभग 4.5 डिग्री सेल्सियस कम होगा। जी हाँ दोस्तों, आपका जो बाहर का टेम्परेचर होगा उससे, जैसे मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो आपके घर का जो टेम्परेचर होगा लगभग 26 डिग्री सेल्सियस के अबाउट में होगा। यहाँ तक आपको आई होप गाइस समझ आया होगा। ये तो कर ली हमने अपने फायदे की बात, अब हम थोड़ा इन्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। तो गाइज आपने ग्लोबल वार्मिंग का नाम तो सुना ही होगा। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है गाइज, क्योंकि क्या होता है कि जितनी भी सन की जो लाइट आती है वो 100% लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती। ओके, बट इस केस में क्या होगा गाइज कि जो लाइट आ रही है वो 98% जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो आप इस पेंट का यूज़ क्या कर सकते हैं, बिल्डिंगों में कर सकते हैं, कारों में कर सकते हैं या फिर इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये बेसिकली क्यों होता है कि जो लाइट आती है सनलाइट वो पूरी क्या होती है, रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, और बची हुई जो लाइट होती है वो क्या करती है, हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर देती है, जिससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हीट जो होती है यहाँ पर डेवलप हो जाती है, इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। बट इस केस में क्या होगा गाइस कि लाइट जो होगी वो 98% तक रिफ्लेक्ट होगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग है जो होगा वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो
यहाँ पे हमने ग्लोबल वार्मिंग की बात कर ली गाइज। अब हम बात करते हैं सेकेंड एसी की। आप लोग घर में एसी का यूज करते होंगे गाइज, जिससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में हीट जो होती है अपने इन्वायरमेंट में एटमोसफियर में निकलती है। अब क्या होगा कि इसका यूज करने से गाइज आप लोग काफ़ी हद तक एसी का यूज़ कम कर देंगे, जिससे क्या होगा जो हीट निकलती थी अब वो हीट जो होगी बहुत कम मात्रा में निकलेगी, जिससे और ज़्यादा इन्वायरमेंट को फ़ायदा होगा। ठीक है गाइज, अगर आप इसका इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं तो आप जान चुके होंगे कि इसका किस तरह से वहाँ पे भी फ़ायदा होने वाला है। तो बेसिकली हमने ये देखा गाइज कि ये पेंट जो है हमें काफ़ी सारी चीज़ों में फ़ायदा देने वाला है, जैसे आपके खर्चे कम हो जाएंगे, आप लोग एसी का कम यूज़ करेंगे, आपका हेल्थ जो है वो भी अच्छा रहेगा, एंड मेजर जो है गाइज आपका इन्वायरमेंट जो होगा ये काफ़ी हद तक बचा रहेगा, सेफ रहेगा, तो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो गाइज आई होप आपको सारा सेशन अच्छे से समझ आया होगा। गाइज अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, एंड ऐसे ही नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू।